मॉर्निंग मेरे देश के भविष्य, कैसे हैं आप लोग? क्या मैथ वैथ पढ़ रहे हैं कि केवल फीस पे सब कुछ चल रहा? पढ़ ले, क्योंकि आप ही पर, आप ही के कंधों पर देशों का दारोमदार है। चले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन। इसके पहले आपने डिटरमिनेंट को एक्सप्लेन करना और डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़ रखे हो। अब डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन कहाँ करते हो? रियल लाइफ में डिटरमिनेंट के ऐसे तो बहुत ही एप्लीकेशन है, आगे चल के समय के साथ आप पढ़ोगे, लेकिन जो एप्लीकेशन आपके ट्वेल्थ में है उस एप्लीकेशन से रूबरू कराते हैं। चलिए आगे ये बोलते हैं। देखिए, पहला इसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं किसी भी ट्रायंगुलर शेप का एरिया निकालना। केवल आप ट्रायंगल ही नहीं, मतलब किसी भी चीज के एरिया को निकालने के लिए वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कुछ भी, किसी भी साइज का, किसी भी एन वर्टेक्स वाले प्लेन का, किसी भी एन, मान लो कि अगर इस शेप में कुछ एरिया आपसे बोल दे कि इसका एरिया निकाले, अगर हम सबका वर्टेक्स कमा दें कि हाँ ये यहाँ यहाँ वर्टेक्स है, देन आप इजीली डिटरमिनेंट मेथड यूज करके निकाल सकते हो। दूसरे मेथड से एरिया निकालने में नानियात करा देगी, सही? तो हम किसी भी ज्योमेट्रिक शेप में, मतलब हम स्फेरिकल और इस शेप का बात नहीं कर रहे हैं, जो कि रेक्टेंगल से, स्ट्रेट लाइन से जो भी शेप बना रहे हो, वैसे शेप का एरिया डिटरमिनेंट से आप इजीली निकाल सकते हो। दूसरा एप्लीकेशन आप चेक कर सकते हो, ऐसे तो कोने ज्योमेट्री लेवल में बहुत सारा पढ़े हो प्रोसेस, कि तीन पॉइंट आपस में कोलिनियर पॉइंट है कि नहीं, उसके कोलिनियरिटी को चेक करने के लिए भी आप डिटरमिनेंट यूज करते हो, ठीक है? तो डिटरमिनेंट के एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन यूज करो टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना हो तो कैसे निकालोगे? क्लियर? जरा गौर से देखिए। मान लो कि मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है एबीसी। इस ट्रायंगल ए का वर्टेक्स आपको पता है कोऑर्डिनेट फॉर्म में, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री। देन अगर इस वर्टेक्स से बनने वाले ट्रायंगल का आपसे एरिया पूछा जाए तो एरिया क्या होगा? लेट ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू, सी एक्स थ्री वाई थ्री बी द वर्टेक्स ऑफ एनी ट्रायंगल ए बी सी। देन एरिया, क्योंकि एरिया आप ध्यान दोगे हमेशा मैग्नीट्यूड में निकलता है, नेगेटिव एरिया कोई सेंस नहीं आएगा, तो न्यूमेरिकली आप एरिया कुछ भी निकालोगे डिटरमिनेंट मेथड से, वैल्यू चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसमें मॉडुलस लगा करके उसका पॉजिटिव वैल्यू यूज करोगे। देन एरिया का जो वैल्यू होगा वो होंगे हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ, आप रो में या कॉलम में कहीं भी डाल सकते हो, फ्री हो डालने के लिए, आप ऐसे डाल दो एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, सारे के एक्स कोऑर्डिनेट को डाल दो आप पहले कॉलम में, सारे के वाई कोऑर्डिनेट को डाल दो दूसरे कॉलम में, क्योंकि हम थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देन लास्ट में आप डाल दो वन वन वन। इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू निकालोगे एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री तीनों के वाई कोऑर्डिनेट एंड वन वन वन। इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू न्यूमेरिकली क्या दिखाएगा? इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया नोट करें, चलिए तो आप इन चीजों को क्या किए ट्रायंगल फॉर्म में यूज किए कि चलिए ट्रायंगल का एरिया क्या निकल गया हाफ ऑफ। आप टेंथ में कुछ ऐसे पढ़े होंगे हाफ ऑफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन, ऐसे कुछ नंबर निकालते हो, वो नंबर कुछ नहीं आता है, इसी चीज को जब आप एक्सपेंड करोगे तो वही नंबर निकल के आता है। आप देखो हाफ ऑफ एक्स वन करोगे तो वैल्यू क्या बचेगा, वाई टू माइनस वाई थ्री माइनस
अगर एक्स टू करते हो तो एक्स टू करते हो तो वाई वन माइनस वाई थ्री, और प्लस एक्स थ्री करते हो तो वाई वन माइनस वाई टू, यही कुछ वैल्यू निकल के आता है। तो फाइनली उस वैल्यू को भूल जाओ, आप इस डिटरमिनेंट का यूज करो, हाफ लगाना मत भूलना, हाफ ऑफ पहला कॉलम में एक्स का कोऑर्डिनेट, दूसरे कॉलम वाई का कोऑर्डिनेट, तीसरे में वन वन वन। अगर आपको लिखने का मन है तो इन चीजों को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाफ ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वन वन वन, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी जानते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग रो को लेकर कॉलम में अगर ट्रांसलेट कर दे तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको जो अच्छा लगे, जिस फॉर्म में अच्छा लगे, आपका बुक जो फॉलो कर रहा हो आप फॉलो कर सकते हो। क्लियर? तो ये आप पहला एप्लीकेशन किए टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाले। क्लियर? चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा, टू चेक कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी, कोलिनियर, कोलिनियर, कोलिनियर लिखने नहीं आ रहा, टू चेक कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट, क्योंकि दो पॉइंट में कभी आप कोलिनियरिटी चेक नहीं कर सकते हो। कोलिनियरिटी चेक करने के लिए क्या होता है, कम से कम तीन पॉइंट, तो तीन पॉइंट आपस में कोलिनियर है कि नहीं, कोलिनियरिटी चेक करने के लिए आप डिटरमिनेंट यूज कर रहे हो। क्योंकि इसके पहले आप जस्ट क्या किए हो, ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखे हो। अगर ट्रायंगल का एरिया जीरो आ रहा है, मतलब क्या है, अगर ट्रायंगल का एरिया जीरो आ रहा है मतलब पॉइंट कोलिनियर है, कितना एरिया बनेगा, कुछ नहीं। आप जानते हो कि अगर तीन पॉइंट आपस में कोलिनियर होते हैं तो उससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इफ ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू एंड सी एक्स थ्री वाई थ्री आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी जीरो, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इससे जो ट्रायंगल हम बना रहे हैं जबरदस्ती एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वन 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 मस्ट बी इक्वल टू जीरो, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टू को उधर लेके आप खत्म कर दो। तो अगर आप कोलिनियरिटी दिखा रहे हो तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वन वन वन, इस थ्री बाई थ्री डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, जीरो। अगर इस थ्री बाई थ्री डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो, तीनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, तीनों पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट वन वन वन, तो ये क्या है, कंडीशन फॉर कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स, कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स लिखिए। चलिए आप ये देखें, चेक कोलिनियरिटी चेक कर लिए, अब तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं इसका। जैसे अभी हम केवल ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखा रहे हैं कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल रहे हो, सही ध्यान रहे, आप एरिया यूज कर रहे हो, बार बार कह रहे हैं कि जो वैल्यू हो सकता है किसी किसी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद डिटरमिनेंट वैल्यू नेगेटिव आए, एरिया नेवर भी नेगेटिव, वहां मॉडुलस यूज करके पॉजिटिव वैल्यू एक्सट्रैक्ट करोगे। ये मत कर रहा है कि मेरा डिटरमिनेंट गलत है, अभी नेगेटिव एरिया कैसे आ रहा है, एरिया पॉजिटिव में लोगे, कभी कभी हो सकता है कि एरिया नेगेटिव में दिखा दे। टू फाइंड एरिया ऑफ अ पॉलीगन, पॉलीगन का एरिया निकालना है। जैसे मान लो कि ट्रायंगल के पता चले जाओ, रेक्टेंगल में पेंटागोन हेक्सागोन हेप्टागोन ऑक्टागोन किसी भी एन साइड के पॉलीगन है आपके पास, उसके आपको एरिया निकालने हैं। मान लो कि आपके पास पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा
आपको जिस फॉर्म में जहां जैसे शेप में लेना है ले लो, लेकिन ध्यान रहे कि वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होने चाहिए। तो वैसे आपके पास अगर एन पॉइंट है, पॉइंट को हम एक ऑर्डर में दिखाते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, और ऐसे ही एन पॉइंट है अपने पास, एन पॉइंट है, क्लियर। ये एक पॉलीगन बन गया, एक पॉलीगन बन गया। इस पॉलीगन का हमें एरिया निकालना है, इस पॉलीगन का हमें एरिया निकालना है। सारे वर्टेक्स मान लो, लेट एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, वैसे ही कहां तक जाएंगे हम लोग, एक्स एन वाई एन, क्योंकि एन पॉलीगन है तो एन उसके वर्टेक्स होंगे। हर एक वर्टेक्स का हम कोऑर्डिनेट कैसे ले लिए, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, डॉट डॉट डॉट, एक्स एन वाई एन, बी द वर्टेक्स ऑफ गिवन पॉलीगन। आप इस पॉलीगन वाले मेथड का यूज करके ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, उसे में एरिया आएगा, उसमें क्या होगा, तीन ही होंगे, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, वो पॉलीगन तीन साइड का होगा, ट्रायंगुलर होगा, गिवन पॉलीगन, देन एरिया ऑफ पॉलीगन विल बी, जरा गौर फरमाएंगे एरिया क्या हो रहा है, हाफ तो आएगा ही, हाफ के साथ आप कैसे लिखोगे, हमेशा टू बाई टू का डिटरमिनेंट, इसमें टू बाई टू का डिटरमिनेंट बनेगा पेयरिंग में, स्टार्ट करो वन से स्टार्ट करो टू बाई टू का, ध्यान देना, एक्स वन एक्स टू, वाई वन वाई टू, एक्स वन एक्स टू, वाई वन वाई टू, पहला डिटरमिनेंट प्लस टू हो गया, तो फिर टू से थ्री पर जाओ, एक्स टू एक्स थ्री, वाई टू वाई थ्री, प्लस एक्स थ्री एक्स फोर, वाई थ्री वाई फोर, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कहाँ जाओगे, एन से वन, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, फोर से फाइव, फाइव से सिक्स, वैसे ही लास्ट में कहाँ जाओगे, एन से वन, तब ना क्लोज फॉर्म बनेगा, लास्ट में प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या निकालेगा, एक्स एन एक्स वन, एक्स एन एक्स वन, और वाई एन y1, देखो क्लोज फॉर्म बन गया, और इस ब्रैकेट को आप बंद कर दो, हाफ ऑफ x1 x2 y1 y2 x2 x3 y2 y3 x3 x4 y3 y4 प्लस जितना भी होगा डॉट डॉट डॉट, लास्ट में xn x1 yn y1, ब्रैकेट बंद, हाफ, ये क्या निकल गया उसका एरिया, क्या निकल गया एरिया। यही तीन एप्लीकेशन मेजरली आपको इस 12th में करने हैं डिटरमिनेंट के एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो थ्योरेटिकल तो हम कर दिए, आते हैं कुछ न्यूमेरिकल भी करवा देते हैं, करो पता है। ये आसान है क्योंकि इसमें टू बाय टू मैट्रिक्स ही है, तो इसको सॉल्व करना आसान है। पिछले वाले में क्या था, थ्री बाय थ्री में था, उसको पहले टू बाय टू में एक्सपेंड करना पड़ता, और यहाँ अपने मन से कानूनची मत करना, प्लस माइनस दिमाग लगा लेना डिटरमिनेंट वाला, नहीं सब में प्लस ही होता है, क्योंकि तुम लोगों का दिमाग कुछ ज्यादा चलता है, ये भी पॉसिबल कि प्लस माइनस कर लोगे। हाँ एक क्वेश्चन करो, अपने मन से कुछ भी क्वेश्चन लिख देते हैं रैंडमली, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल, आप उस दोनों मेथड से बनाने का कोशिश करो, दोनों मेथड से सेम ही आंसर आना चाहिए शायद, देखते हैं। ट्रायंगल है, ए बी सी एफ में पास ट्रायंगल है, ये मान लो वन टू है, ये फोर फाइव है, और ये मान लीजिए वन टू फोर फाइव, और एक मान लो जीरो टेन,
1, 2, 4, 5, 0, 10 अपने पास ये वर्टेक्स है। आप मेथड वन से बनाओ पहले, देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। मेथड वन एरिया क्या होगा, एरिया को जनरली डेल्टा से दिखाते हैं। डेल्टा क्या होगा, हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, डालो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो 1, 4, 0 वाई वन वाई टू वाई थ्री, तो 2, 5, 10, 1, 1, 1 हमें क्या करना है, इसी को एक्सपेंड कर देने हैं। करिए वैल्यू निकालिए हाफ ऑफ, तोड़ देते हैं फर्स्ट रो, यहाँ आ जाओ फर्स्ट कॉलम में एक जीरो है, कम काम करना पड़ेगा। चलो फर्स्ट कॉलम के बाद तोड़ो, तो फर्स्ट कॉलम के बाद 1 बाहर निकालोगे तो डिटरमिनेंट क्या बनेगा, ये और ये 5, 1, 10, 1 5, 1, 10, 1 प्लस के बाद माइनस, माइनस फोर डालो तो ये गायब और ये गायब, 2, 1, 10, 1 2, 1, 10, 1 प्लस माइनस प्लस। अगले बार में तो प्लस जीरो के साथ कुछ भी करो पड़ेगा नहीं, कहानी कहते यहीं पर हो जाएंगे। जरा सॉल्व करो इसको, हाफ ऑफ 5 और माइनस 10, 5 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 4 इंटू 2, 2 माइनस 10, 2 माइनस 10 माइनस 8 उधर तो कुछ बचा नहीं, इक्वल्स टू 8 चौका 32 प्लस में 32 माइनस में 5, हाफ ऑफ 32 माइनस 5 32 माइनस 5 27, वैल्यू कितना आ गया 27/2 वैल्यू क्या आ गया 27/2 यहाँ इस 3/3 डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दिए। दूसरा एक मेथड क्या हो तो आप पॉलीगन वाला चेक कर रहे हैं कि दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं। मेथड सेकेंड यूज पॉलीगन मेथड, पॉलीगन मेथड, पॉलीगन मेथड में क्या होता है, हाफ ऑफ एक बार पूरा रिजल्ट पहले लिख देते हैं, हाफ ऑफ क्योंकि यहां ट्रायंगल तीन बार लिखाएगा, एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू प्लस एक्स टू एक्स थ्री वाई टू वाई थ्री प्लस एक्स थ्री एक्स वन वाई थ्री वाई वन, क्लियर, ब्रैकेट क्लोज। आ जाइए हाफ ऑफ वैल्यू रिप्लेस करो, एक्स वन एक्स टू तो 1, 4 1, 4, y1, y2, 2, 5 प्लस 4, 0, 4, 0, 5, 10 प्लस 0, 1, 10, 2 ये वैल्यू सॉल्व कीजिए, हाफ ऑफ 5 माइनस 8 प्लस 10 चौका 40 और माइनस में 0 प्लस 2 गुना 0 और माइनस 10 0 माइनस 10 1/2 5 माइनस 8 माइनस 3 प्लस 40 और माइनस फिर से 10 सही, तो 40 में से 13 घटा दो, 40 में से 13 घटेगा 27 27/2 देखो रिजल्ट सेम है। तो आपको जो मेथड अच्छा है कर ले, यहाँ ध्यान रहे 3/3 में डिटरमिनेंट के हिसाब से प्लस माइनस प्लस टूटता है और यहाँ पर इस पॉलीगन मेथड में सब में बीच में प्लस ही होते हैं तो कंफ्यूज नहीं करोगे। तो एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से कर दिए, आपको जितने भी तरीके का कुछ भी एरिया निकालना हो आप इजीली कर सकते हो, एक एग्जांपल सफिशियंट है। चलिए नोट कीजिए,
एक और क्वेश्चन कर लो कोलिनियरिटी पर। इसमें बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, एप्लीकेशन की तरह दो दो पन्ना वाला। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव में ना, बट ऑब्जेक्टिव में हर साल मैथमेटिक्स में एक से दो क्वेश्चन यहाँ से होता है विद इन अ सेकेंड वाला क्वेश्चन। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच 1529 एंड 6k आर कोलिनियर पॉइंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इतना इतना एंड इतना आर कोलिनियर पॉइंट्स। हमें के किस वैल्यू के लिए तीनों पॉइंट क्या हो जाए कोलिनियर। कर ले सॉल्यूशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। अपने पास क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3 and 1, 1, 1 must be equals to 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो x1, x2, x3 या डालो x1 कितना है 1, x2 2, x3 6, y1 5, y2 9, y3 k 1, 1, 1 must be equals to 0। आप इसको एक्सपेंड कर दो, आपको जहां से मन करे जिसके अबाउट मन करे एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करते हैं अबाउट फर्स्ट रो, इसको आप करो एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो एज यू विश। आपको जहां से एक्सपेंड करना है कर लो। हम फर्स्ट अबाउट कर रहे हैं 1, आप 1 को बाहर करो, दिस 91k1 प्लस के साथ माइनस माइनस 5 दिस 2161 प्लस माइनस प्लस प्लस में क्या आएगा 296k वैल्यू कितना 0। सॉल्व कर दो 1 तो बाहर है 9 माइनस के माइनस 5 2 माइनस 6 और प्लस 2k माइनस 9 6 54 इक्वल्स 0। आगे आप बढ़ जाओ यहाँ पे 9 माइनस के माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 2k माइनस 54 इक्वल्स 0। अब यहाँ एक चीज देखो 2k प्लस में k माइनस में 2k माइनस k डायरेक्ट लिखो k यहाँ पर क्या बचा 9 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 5 का 20 ठीक है माइनस 54 इक्वल्स 0 के 29 प्लस 29 माइनस 54 इक्वल्स 0 के माइनस कितना बचेगा 7 25 30 20 50 40 25 के माइनस 25 इक्वल्स 0 के का वैल्यू आ गया 25 के का वैल्यू कितना आ गया 25। एक चीज ध्यान दोगे यहां पर एक सॉल्यूशन तुम्हारा छूटा, एक सॉल्यूशन अभी और छूटा। कैसे एक आंसर तो सही है, कहीं से कोई गलती नहीं है, लेकिन एक आंसर तुम्हारा छूटा, बताओ कैसे। क्योंकि एरिया आप निकाल रहे हो कौन चीज में, डिटरमिनेंट जो निकाल रहे हो उसमें मॉडुलस डालते हो कि हो सके कहीं अंदर निगेटिव आए या पॉजिटिव आए। तो आप जैसे ही यहाँ डालोगे मॉडुलस मेथड डालोगे मॉडुलस में यहाँ पूरे टर्म में क्या आएगा एक मॉडुलस टर्म आएंगे, एक मॉडुलस के साथ सॉल्व करोगे। हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर दिए ध्यान नहीं दिए हैं मॉडुलस लगा करके, क्योंकि मॉडुलस में यहाँ पर ये नंबर प्लस हो या माइनस हो वैल्यू वही आने वाले, मतलब यहाँ तक तो कैलकुलेशन सेम होगा, यहाँ तक सब में एक मॉडुलस चलते रहेगा, यहाँ तक सब में एक एक्स्ट्रा मॉडुलस चलते रहेगा। और मॉडुलस कैसे भगाते हो, दोनों साइड स्क्वायर करके
माइनस पच्चीस, के माइनस पच्चीस का स्क्वायर बराबर जीरो, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो के माइनस पच्चीस बराबर जीरो, यहां पर दोनों साइड स्क्वायर करो, कहां से गलती करना शुरू कर गए हैं, मॉडुलस में, मॉडुलस में सारा कुछ चलेगा, मॉडुलस में k माइनस पच्चीस इक्वल्स टू जीरो, मॉडुलस में k माइनस पच्चीस का वैल्यू जीरो, दोनों साइड स्क्वायर करो तो k माइनस पच्चीस का स्क्वायर बराबर जीरो का स्क्वायर, तो के माइनस, तो के स्क्वायर माइनस, तो इसको दो बार लिख लोगे ना जी, अच्छा इसमें वैल्यू नहीं बदलेगा, इसमें वैल्यू सेम रह जा रहा है, के का वैल्यू पच्चीस पच्चीस दो बार आएगा, के माइनस पच्चीस इक्वल्स टू जीरो, के का वैल्यू पच्चीस और पच्चीस दो बार वैल्यू आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए सेम आंसर रहा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर सेम रहेगा, लेकिन आंसर बदल जाएंगे जब भी कोलिनियरिटी के लिए वैल्यू मांगे तो तुम मॉडुलस में काम करोगे, अदरवाइज एक आंसर छूट जाएगा जैसे हम छोड़े हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में मेरा संदेह सही था कि दोनों आंसर अगर आता भी तो दो बार 25 25 मतलब कुल मिलाकर के 25 ही रह जाएंगे, बट ध्यान देना कि जब भी कोलिनियरिटी चेक कर रहे हो तो डिटर्मिनेंट में वैल्यू सॉल्व करोगे, के का वैल्यू दो बार आएगा अगर पॉसिबल है, तो हो सकता है एक ही वैल्यू दो बार आ जाए मतलब एक ही आंसर आएंगे, तो इस तरीके से आपका डिटरमिनेंट यहाँ पे द एंड होता है। पढ़ो आप पढ़ो और जो प्रॉब्लम होती है डिस्कस करो, देन नेक्स्ट क्लास में आते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर से मैट्रिक्स का एडजॉइंट सीखेंगे और उस मेथड से हम लोग इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे, क्योंकि एक इन्वर्स आप निकालना सीखे हो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसमें काफ़ी माथा पच्ची था, तो उस माथा पच्ची को थोड़ा कम करने के लिए हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स से इन्वर्स निकालना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।